26 दिसंबर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के स्थापना दिवस। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के स्थापना दिवस समारोह में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के दौरान शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी जाती है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सबसे बड़ा है। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत काम करता है, लेकिन इस पुलिस बल को ब्रिटिश पहचान से आजादी देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिलाई थी। दरअसल CRPF को ब्रिटिश काल में 29 जुलाई 1939 में CRP यानी क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से बनाया गया, लेकिन आजादी के 2 साल बाद 1939 में देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल इस पुलिस फोर्स का नाम बदल दिया गया। पटेल ने सेवाओं को कायम रखते हुए इसका नाम बदलकर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कर दिया था। पटेल ने ब्रिटिशों की पहचान से मुक्त दिलाने का यह कदम उठाया था। मध्य प्रदेश के नीमच में ब्रिटिश राज्य के दौरान उत्तर भारत का सैन्य घुड़सवार सेना मुख्यालय बनाया गया था। 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश पुलिस को गदेरते हुए सैन्य छावनी पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद क्रांतिकारियों ने भी इस छावनी को अपने आंदोलन के लिए हेडक्वार्टर बना लिया। छावनी पर कब्जा करने के कुछ ही समय बाद ब्रिटिश सेना ने सभी क्रांतिकारियों को या तो मार दिया था या फिर उन्हें पकड़कर अगले दिन फांसी पर लटका दिया। CRPF के लिए धर्मस्थल नीमच। CRPF जवानों के लिए नीमच एक विशेष महत्व रखता है। यह जवान इस जिले को अपने लिए किसी धर्मस्थल से कम नहीं मानते। जवानों का मानना है कि एक न एक बार तो सभी जवानों को सेना के इस मंदिर में माथा टेकने आना पड़ता है। CRPF का तो जन्म स्थान ही नीमच है, इसलिए इस पुलिस फोर्स का पूरा इतिहास ही इस जगह की देन है। ये थी ऐसी न्यूज की रिपोर्ट।